ये अपना लजवाना खुर्द गांव से ही कुलदीप भाई हैं, जिनके पास ये सेल की है भाई अनिल भाई ने, बजरंगी बुल की कटड़ी है भैया। हाँ, बजरंगी बुल की है भाई साहब। कुलदीप भाई, अपने पास कितने पशु हैं भाई साहब? अपने पास हैं भाई साहब 6-7 पशु। 6-7 पशु हैं। या आपने परचेज की है अनिल भाई से, या जो सामने आप? ना, परचेज नहीं की भाई साहब, ये अपनी मैस की है। हाँ जी, ये जो रलवाई थी उसी की कटड़ी है, अपन पाल रखी है। अच्छा, डायरेक्ट क्रॉसिंग करवाई थी बजरंगी बुल से जी? हाँ। तो ये इसकी माँ का क्या रिकॉर्ड है दूध का? इसका है भाई साहब 20+ है। इसकी माँ का या इसका? इसकी माँ का जी। इसकी माँ का। अब या इसकी क्या कंडीशन है, इसके बारे में बताओ। ये 19 ब्याई थी, 15 किलो 680 ग्राम दूध काट रखा है भाई साहब इसने। अब कितने दिन की ब्याई होगी जी? ये ब्याह होगी भाई साहब 20 दिन मोर। 20 दिन इसके बाकी है। हाँ। या बजरंगी बुल की बेटी है। नाम भी रख रखा है भाई साहब आपने इसका कुछ? हाँ, लक्ष्मी नाम है भाई। लक्ष्मी नाम रख रखा है भाई। 4 दांत है और भाई अब 15-20 दिन बाकी है इसकी। हाँ, अब कौन से बुल से प्रेग्नेंट है? ये भी भाई साहब HLDB से है। हाँ जी, कुंदन है मान लो, जो सा भी है उससे है ये भाई। देखिए इसकी जो है भाई थना का जो गैप है ना, थनों की बनावट। हाँ। है लाजवाब है। इसने आप किसी कंपटीशन में भी लेके गए भाई साहब, प्रदर्शनी में लेके गए हो? 5 बार कंपटीशन जीत लिया है। 5 बार की ये अपना विजेता है। हाँ। कौन सी कैटेगरी की? मिल्क ब्यूटी की? मिल्क ब्यूटी की नहीं भाई साहब, ये है खीरी कैटेगरी में ले गया था इसने, मेरठ। अच्छा जी, मेरठ खीरी कैटेगरी में। लक्ष्मी जो ये भैंस है लजवाना खुर्द गाँव में कुलदीप भाई के पास में, मेरठ लेके गए थे इसको। हाँ। वहाँ पर कौन सा स्थान हासिल किया था इसने? 2nd प्राइज जीता था वहाँ पर। इसने वहाँ पर 2रा स्थान, फिर हाँ। उसके बाद में इसने फिर जीता झज्जर भाई साहब। अच्छा जी, 3रा। अच्छा जी, फिर जीन जीता इसने 1st, फिर इसने जीता भाई ड्राई में जीता नरवाना 2रा नंबर। नरवाना में जो प्रदर्शनी थी 11 अप्रैल को शायद। हाँ। उसमें 2रे नंबर पर रही है ये। हाँ। तो भाई एक गांव में अपना ये जो बजरंगी बुल है, और जगराओ जीता था इसने भाई साहब 4था स्थान, जगराओ पंजाब के अंदर। हाँ। वहां पर 4था स्थान हासिल किया था। तो ये जितने भी पशु हैं भाई गाँव में, एक अच्छा बुल है तो और भी इससे क्या होता है, शौक बढ़ता है भाई। कुलदीप भाई के पास में भी इतनी बढ़िया शानदार जो ये जोटी तैयार है, अब 15-20 दिन में ब्याज आएगी, उसके बाद में भाई इसका भी सेल करने का मन है अगर ना भाई साहब रखने की। भाई ऐसे नगीने सेल करने के नहीं होते, कभी कभी तैयार होते हैं। तो भाई साहब को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। 4-5 बार की जो विजेता है प्रदर्शनी की, वो अपना लक्ष्मी भैंस भाई साहब के पास में, या जो कटिया भाई साहब। खून पिए इस भैंस ने, 1 साल होगी ब्याई ने, इतक नया दूध हो की नहीं दे रही। आए प्रीतल के इधर क्यों सोम हो रही है? बाबू छो में क्या हो रही हूँ, आपने भी तो बेरा है। ये बात होगी ताऊ मेरे संगे? मैं बताऊं जी, इस मैस ने खून पी लिया, 1 साल हो गया नए दूध नहीं होती। इसकी दवाई दम है बता दो। हाँ भाई, ई भी लाया ले ताऊ मेरे संगे, यो न्यूट्री डाइट खवा और फिर नए दूध ना हो तो मुन्ना बता। आप भी अपनी गाय भैंस को न्यूट्री डाइट खिलाएं और हर साल एक बच्चा पाएं। तो कुलदीप भैया जो सामने अपना कटड़ी है, ये अपना लक्ष्मी की बेटी। हाँ, है लक्ष्मी की बेटी है भाई साहब। ये अपना पहले बैत की है जब ये। हाँ। 19 ने इसने बच्चा दे दिया। हाँ, था ये कट्टी दी थी। कट्टी दी थी। इसकी कितनी उम्र होगी अब? ये 13 महीने की है भाई साहब। 13 महीने की होगी भाई। और इसको भी आप अगर किसी भी प्रदर्शनी में लेके गए हो अभी तक? ना, अभी तक इसको लेके नहीं गए। अभी तक नहीं लेके गए हो? तो भाई आगे के लिए क्या तैयारी है इसके लिए? इसको जो आगे तैयारी है ये, क्योंकि सींग जो इसका भी बहुत शानदार निकल रहा होगा जी, इसी को आगे जो नू है भाई साहब जो प्रदर्शनी आओगी उसमें ले जाओगे इसने भी। तो भाई ये जितने भी पशु आपके सामने हैं, इनकी कद काठी बहुत कम देखने को मिलते हैं एक साथ में, जो इतने शानदार पशु हैं अपना अनिल बालाजी डेयरी फार्म पर। बजरंगी बुल पहले नंबर से है, वहाँ से एक शुरुआत थी जो इनाम जीतने की। हाँ हाँ करूँ, वहाँ से एक शुरुआत थी इनाम जीतने की, उसके बाद में लगातार आगे के लिए तैयारी पहले से ही कर रखी है भाई साहब ने। किंग जो है 20 महीने की उम्र है, बहुत बढ़िया कद काठी है। बादशाह बुल 2.5 साल की उम्र है, और ये जितनी भी ये आपके सामने कटड़ी है भाई, बहुत बढ़िया इनका रिजल्ट रहा है जिस प्रदर्शनी में गई, बढ़िया स्थान हासिल किया, कहीं पहला कहीं दूसरा। तो भाई बहुत बढ़िया आज की जो वीडियो है आपके लिए जानकारी दी है एक से एक भाई कुलदीप भाई ने और सुनील भाई ने।
तो ऐसे ही हर रोज एक नए पशु की जानकारी के साथ आपसे मुलाकात होती रहेगी। पशुपालन विकास मंच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, कमेंट करके हौसला जरूर बढ़ाएं, क्योंकि बहुत शानदार पशु भाइयों ने तैयार कर रखे हैं। तो भाई हर रोज नई वीडियो ऐसे ही आप तक पहुंचाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।